मैं वचन देता हूँ कि भले ही जान चली जाए, मैं जनता का विश्वास नहीं टूटने दूंगा। जी हाँ, सही सुना आपने, जान की बाजी दे सकते हैं मगर जनता का विश्वास नहीं टूटने देंगे। ऐसे हैं हमारे सीएम शिवराज। वेलकम, मैं परनिका तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को शाजापुर जिले के बाद राजगढ़ जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने व्यापारा के अपार जनसमूह से मुलाकात की, जहां जनता ने उन पर फूलों की प्यार भरी बारिश की। ये अद्भुत नजारा देख वो खुद को रोक नहीं पाए और जनता के लिए उनका प्यार उमड़ पड़ा और उन्होंने ये कह दिया कि मैं वचन देता हूँ कि जान भले ही चली जाए, मैं जनता का विश्वास नहीं टूटने दूंगा। उनके रोड शो के दौरान बच्चों ने भी उन्हें अपार स्नेह दिया और उन्होंने बच्चों के आई लव यू के जवाब में बच्चों से आई लव यू भी कहा। राजगढ़ जिले के व्यवारा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 33 करोड़ 78 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वो किसान परिवार में पैदा हुए हैं और वो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बहनों के भाई, बच्चों के मामा और किसानों के भाई हैं। उनका एक ही मकसद है, जनता की जिंदगी बदलकर खुशहाल बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपके लिए जमाना बदल दूंगा, मैं वचन देता हूं कि राजगढ़ और बेवारा के हर खेत तक पानी ले जाऊंगा और मोहनपुरा, कुंडलिया तथा सुठलिया की सिंचाई योजनाओं को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से कहा कि चिंता मत करना, मैं इन योजनाओं के लिए फिर पुनर्वास पैकेज दूंगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आज क्षेत्र का जो भी विकास हुआ है वो सब उनके कार्यकाल में हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज ने पहले भी 10 साल की सरकार की जनता के प्रति बेरुखी का उल्लेख करते हुए कहा कि वो 16% पर लोन देते हैं और हमने 0% पर किसानों को ऋण दिया है। उन्होंने हाल ही में किसानों के कर्ज के ब्याज का 22,000 करोड़ की राशि माफ करने का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाई है। मुख्यमंत्री शिवराज ने बहनों से संवाद करते हुए कहा कि 1,000 रुपए तो शुरुआत है, इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए तक ले जाऊंगा। उन्होंने कहा कि बहनों को मजबूर से मजबूत बनाने के लिए वो स्वयं सहायता समूह से बहनों को जोड़कर अभियान चलाकर बहनों की आमदनी 10,000 रुपए करके ही दम लेंगे। उन्होंने कहा कि बहनों की जिंदगी बदलकर उनकी आंखों में आंसू की जगह चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा। उन्होंने लाडली सेना के रूप में बहनों से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग की अपील भी की। मुख्यमंत्री शिवराज ने पूर्ववर्ती सरकार की विभिन्न योजनाएं बंद करने पर आलोचना की और कहा कि उनकी सरकार ने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार सब कुछ जनता तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि आज गरीब के पास प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड से उपचार जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। उन्होंने बहनों से कहा कि उनके घर पर टोंटी वाले नल से जल आ रहा है और जल्दी ही सब घरों में नल से ही जल आएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे यानी परनिका तिवारी को दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।